जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। संध्या सक्सेना एस्ट्रो तीनों चैनलों की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र है उन सबको भी बहुत प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आप पे श्री गणपति महाराज की ऐसी कामना करती हूँ। हमेशा खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। आपको पता है गणेश चतुर्थी है। वैसे तो गणेश चतुर्थी महीने में एक बार आती ही आती है और संयोग वर्ष भगवान गणेश का जन्मदिन भी है और कल बहुत खास पर्व भी है। ये जो आज मैं आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ, आप ये महीने की किसी भी गणेश चतुर्थी पे कर सकते हैं। एक महीने में दो गणेश चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है और एक आती है कृष्ण पक्ष की। तो इस बार का जो है, जो कल आएगी गणेश चतुर्थी जो आ रही है, इसमें आपका जो है भगवान का जन्मदिन होता है और जन्म उत्सव मनाया जाता है। और वैसे जो है कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन जो है भगवान के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन कल भी भगवान के व्रत रखे जाएंगे। तो कल भगवान गणेश का दिन है और बहुत ही खास दिन है। और कल वैसे भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी का जो ये दिन माना जाता है, चाहे वो कोई भी गणेश चतुर्थी हो, वो बहुत खास होती है। और कल के खास दिन में ये है कि 6 के 6 ग्रह जो है, मतलब 12 ग्रहों में से 6 ग्रह जो हैं अपनी ही राशि में उचके हैं। कल रवि योग भी है, कल का दिन बहुत शुभ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी पे आपको एक ऐसा प्रयोग जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिले और साल भर आपके पास शुभता बनी रहे, साल भर आपके पास पैसा बना रहे, उसके लिए आज आपको एक प्रयोग बनाऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, 10 रुपए का सिक्का ले लेना है और 10 रुपए के सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में बांधेंगे और ऐसे आपको 7 सिक्के लेने हैं, यानी कि 10 रुपए के 7 सिक्के लेंगे और उनको आपको लाल रंग के कपड़े में बांधना है। अगर आप किसी कारण से दरिद्र है, यानी कि आपके पास 10 रुपए के 7 सिक्के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो हर तरह का लोग देखते हैं, गरीब अमीर सभी लोग देखते हैं, तो अगर आपके पास ना हो तो फिर आप 1-1 रुपए के 7 सिक्के ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि 10 के ही मिल जाएं। तो आपको क्या करना है, एक लाल रंग का 1x1 का, यानी जितना बड़ा रुमाल होता है इतना बड़ा लाल रंग का कपड़ा लेंगे। उसके बाद आपको ये लाल कपड़ा भी इजिली मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मिले तो अक्सर टेलर्स जो होते हैं उनके पास कतरनों के रूप में लाल कपड़ा बड़ा बचा होता है, तो आप उसको कुछ पैसे देकर आप उससे ले लीजिए, 2-3 रुपए देकर। और अगर बाजार से चाहें तो आप बाजार से दुकान से जाके कटवा के ले आइए, अस्तर के रूप में भी कपड़ा मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, 5-10-20 रुपए का अस्तर का छोटा सा पीस ले आइएगा। वो कपड़ा लेकर आपको उसको लेके गणेश जी के कल मंदिर जाना है। अब आप कहेंगे गणेश जी का मंदिर मेरे एरिया में नहीं है, तो ये भी नामुमकिन है, क्योंकि गणेश जी की स्थापना के बिना कोई मंदिर बन ही नहीं सकता। चाहे काली गौरी रानी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, विष्णु जी, किसी का भी मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, आप देखना मंदिर के चौखट पे सबसे पहले भगवान गणेश की ही स्थापना होती है। तो आपको बस चले जाना है भगवान गणेश के मंदिर में, और गणेश के मंदिर में आपको वहां पे जहां पे भी आपको गणेश जी दिखे वहां पे आप जाके थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देगा, 1-2 लड्डू का। अगर आप लड्डू चढ़ाने में भी असमर्थ हो, आपके पास इतने अच्छे पैसे ना हो, तो कोई बात नहीं, आप अपनी श्रद्धा से 1 लड्डू मानसिक रूप से चढ़ा देना कि हे प्रभु आज तो नहीं है, लेकिन अब कभी ना कभी तो आप दोगे तो मैं आपको लड्डू जोड़ चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगी। और अगर दे सकते हैं तो कम से कम 1 या 5 लड्डू बाबा को, गणेश जी को प्रसाद के रूप में भेंट चढ़ाइएगा। लड्डू देने के बाद आपको वहां पे वो 5 जो आपने सिक्के लेके गए थे उसमें आपको वहां पे एक जो है एक हरी इलायची का जो जोड़ा रख देना है और साथ में भगवान गणेश से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ संसार में मुझे कभी भी पैसे की कोई दिक्कत ना हो और मेरे पास असंख्य रूप से हर तरीके से पैसा आए, ऐसी मैं आज आपसे कामना करता हूँ। आप अपने जन्म उत्सव पे मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, आज आप अपनी चतुर्थी पे मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, ये प्रयोग आप कल भी कर सकते हैं, अगर आप किसी कारण से कल नहीं कर पाए तो किसी भी गणेश चतुर्थी पे आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो गणेश जो है पूरा का पूरा जो पोटली है वो उस पे वहां पे 7 गांठे लगाकर गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान को स्मरण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मुझसे जात अज्ञात रूप से इस जन्म या पूर्व जन्म में जो भी गलतियां पाप हुए हैं उसके लिए हे मेरे भगवान श्री गणपति महाराज, आपको साक्षी मान के मैं आपसे अपना नाम डैश लेके, जैसे कि मैं आचार्य संध्या सक्सेना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना इस जन्म में और पूर्व जन्मों में मुझसे मेरे परिवार के लोगों से जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से पाप हुए हैं, गलती हुई है या जो भी हमने गलत काम किए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। साथ साथ में मैं आपसे ये भी कामना करती हूँ कि यदि हमने ज्ञात अज्ञात रूप से हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा करें, और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है इस जन्म में या किसी भी जन्म में, मैं और मेरा पूरा परिवार उन सभी को क्षमा करते हैं। मैं अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने सभी लोगों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु से, उस सभी को गलतियों के लिए जो हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में की हो,
उसके लिए ज्ञात अज्ञात रूप से हम क्षमा प्रार्थी हैं, और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना लगाओगे तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि जब आप क्षमा मांगते हैं और जब आप क्षमा करते हैं लोगों को, तो आपके पाप वैसे भी 99% कम हो जाते हैं, तो आपके ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगे और आपके आप काम बने होंगे। उसके बाद आप क्या करना, जब ये सारा प्रयोग कर लेंगे तो कम से कम 11 लोगों को जिमा दीजिएगा, खिला दीजिएगा। अब आपके पास समर्थ है तो खूब अच्छा बढ़िया खिला सकते हैं, अगर आपके पास समर्थ ना हो तो आप 2-2 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट भी 11 लोगों को बांट देंगे तो काफी रहेगा। ये छोटा सा प्रयोग है, इसको करेंगे तो आपकी कामना पूरी होगी। और यूनिवर्स में एक मैसेज है कि रेणुका शर्मा चाहती है उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तुषार चाहते हैं उनकी लव मैरिज हो जाए, मोहिनी चाहती है उनकी लड़की जो है वो टॉप करे मेडिकल कॉलेज में। तो इन सभी की मनोकामना को ईश्वर सुने और गणेश चतुर्थी में इन सभी की कामना पूरी हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। तो गणेश जी इन सब पे कृपा करना, मुझ पे मेरे परिवार पे कृपा करना, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आप अपना नाम, अपनी समस्या, अपनी एज के साथ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी जो भी समस्या है, रात को 10 से 2 के बीच में मेरी जो गाइडेड मेडिटेशन है उसमें मैं देखकर आपकी जो फोटो रीडिंग करके आपको इसका आंसर दे दूंगी, और ये सर्विस फ्री है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो, फिर या आपको ऑनलाइन पूजा करानी हो, गाइडेड मेडिटेशन करानी हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ हरिद्वार से आचार्य संध्या सक्सेना। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।